picture composition, swan, sun, tree, water, fish, stone. Okay, topic. Okay, next, यहाँ से हम color start करेंगे, yellow, orange. Okay, continue up. देखो, you can see. Thank you.
ओके, यहाँ से हमारा आउट कलरिंग वर्क फिनिश। अब आउटलाइन, आउटलाइन के लिए हम ब्लैक पेन ले लेंगे। ओके, ब्लैक पेन से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ब्लैक पेन की जगह हम ये स्केच पेन यूज करेंगे, उससे फिनिशिंग वर्क हमारा और ज़्यादा। फर्स्ट हम आउटलाइन कर लेते हैं। आउटलाइन ऐसे करनी है, कलर हमारा थोड़ा सा उसके अंदर कवर हो जाए, राइट। ये देखो फिनिशिंग खराब लग रहा है, लेकिन ये आउटलाइन के अंदर आ जाएगा तो वो लगेगा ही नहीं कि यहाँ से हमारा आउटसाइड चला गया था कलर। देखा, वैसे ही सेम। ब्लैक स्केच पेन ही लेना ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी कलर की स्केच पेन या पेन ले सकते हो। ओके, कोई ऐसा सोचता है कि आउटलाइन मिस ब्लैक लाइन से ही करनी चाहिए। ब्लैक लाइन क्या होती है, आपने कलर को थोड़ा सा दबा देती है, हाईलाइट नहीं होने देती। लगेगा ही नहीं कि मैं दिखा रहा हूँ आपको ड्राइंग या नहीं दिखा रहा, इसलिए मैंने स्केच पेन सिलेक्ट की।
अब देखो सन को, और पहले जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाला स्टेप अब सन ही हाईलाइट हो रहा होगा। नेक्स्ट ये ट्री बना लेते, यहां से भी थोड़ी हमें डिटेलिंग हमारी कंप्लीट हो गई। स्मॉल ट्री ओके, राइट और लेफ्ट वाला कंप्लीट। अब इसके पिंक से हम स्वान की आउटलाइन देंगे, अच्छी लगेगी डार्क ब्लू से। सिर्फ आउटलाइन कलर नहीं फ्लो करना, अच्छा लग रहा है। स्वान पहले जो अब ये राइट वाला देखो, अब धीरे धीरे ये कर लेते हैं आउटलाइन।
हमारा ड्राइंग